हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि परसों मकर संक्रांति है, तो उस पर आज हम आपको एक काइट बनाना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल। तो आइए आपको सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल नील माधव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले आपको इस तरह एक रेक्टेंगल बनाना है, मतलब ट्रायंगल बनाना है, सॉरी। जैसे फिर हम उसमें जो बीच की डंडी होती है, बीच की जो डंडी होती है वो बनाएंगे, वो कुछ ऐसे करके। बहुत सिंपल है। फिर स्केल से आप बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। फिर हम नीचे से ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जिससे कि काइट हमारी थोड़ी बड़ी बन पाएगी। तो फिर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से जोड़ देंगे, और फिर अब हम यहाँ से छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। फिर बीच से एक फिर हम जैसे कि जब उड़ाते हैं तो उसकी डोरी कुछ ऐसे बनेगी। अब हमारी काइट बनके रेडी हो चुकी है, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से। अब आइए इसमें कलर करने की बारी। तो फर्स्ट हम लेंगे रेड कलर। तो कलर आपको थोड़ा अच्छे से करना होगा, वरना ये अगर थोड़ा सा भी फैल गया तो आपकी पूरी काइट बेकार हो जाएगी। तो हमारा रेड कलर बन के चालू हो चुका है। फिर हम इसके बगल में करेंगे येलो। फिर येलो होने के बाद हम करेंगे ब्लू, डार्क ब्लू। आप नेवी ब्लू करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ब्लू करने के बाद हम करेंगे पिंक कलर। तो जैसा कि हमारा पिंक कलर भी अब हो चुका है, तो हम अब कर सकते हैं इसमें ब्लैक कलर। इधर पर भी ब्लैक कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे काइट, थोड़ा टेढ़ा लिखिएगा जिससे कि अच्छा लगेगा। फिर अब इसमें हम कलर कर सकते हैं, आप इसमें कोई सा भी कलर करिए। मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर किया है। तो कैसी लगी आपको ये काइट? अगर आपको ये काइट अच्छी लगे तो हमारे चैनल नील माधव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज का मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि काइट को हिंदी में क्या कहते हैं?